हज यात्रियों की आखिरी ट्रेनिंग मस्जिद तुर्कान में हुई संपन्न। 100 से ज़्यादा लोग जाएंगे इस बार हज में। हज के दौरान हज में जाने वाले लोगों को किस तरह से अपने अरकान पूरे करने हैं, क्या क्या सावधानियां रखी जाएं और कौन से अरकान कब पूरे करने हैं, इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए हज पर जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे हज के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और उनका हज अच्छे से हो सके। रविवार को घोघर स्थित मस्जिद तुर्कान में हज ट्रेनरों द्वारा हज पर जाने वाले लोगों को आखिरी ट्रेनिंग दी गई। इस बार हज पर करीब 102 लोग जा रहे हैं। हज पर जाने वाले लोग 3 अगस्त को मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां से हज यात्रियों की पहली फ्लाइट 7 अगस्त को जिद्दा के लिए रवाना होगी। हज बैतुल्ला में जाने वाले हाजी 102 करीब हैं और ये तुर्कान मस्जिद में इस साल लास्ट ट्रेनिंग चल रही है। उनको जानकारी दी जा रही है, उनको क्या क्या अरकान अदा करने हैं। आपको मक्के में और मदीने में इंशाल्लाह काफ़ी लोग ट्रेनर हमारे शहर के हाजी आहद साहब, हाजी कलीम साहब, हाजी निजामुद्दीन साहब और इस मस्जिद के जो पेश इमाम हैं हाफिज़ अतीकुर रहमान साहब और जो भी हाफिज़ समी साहब और जो भी मोहल्ले के लोग हैं सब इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिए हैं और काफ़ी लोग होते हैं। कब निकलेंगे यहाँ से? इंशाल्लाह 3 तारीख को यहाँ से लोग जा रहे हैं बॉम्बे, वहाँ 5 तारीख को रिपोर्टिंग करेंगे और 7 तारीख को इंशाल्लाह ताला इनकी फ़्लाइट है जद्दे के लिए और ये उसी तारीख से ये अपना हज का वो पूरा करेंगे।